नमस्ते दोस्तों, सिमी किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थानी बेसन के गट्टे की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। बेसन के गट्टे की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी बरखर बेसन लिया है। यहाँ मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के करीब मैंने अजवाइन जो क्रश कर ली है, एक चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच सौंफ जिसको भी मैंने क्रश कर लिया है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच के करीब मैंने धनिया के दाने लिए जिनको भी क्रश करके डाल दिया है। अब मैं एक चम्मच तेल और एक चम्मच दही ले रही हूँ। इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, गट्टे ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। और अब हम हल्के गर्म पानी से इसका आटा लगाएंगे। एक दो चम्मच के करीब ही पानी लेना है। हमने बेसन का आटा लगा लिया है। मैं यहाँ इसके तीन टुकड़े कर रही हूँ। एक पीस को अच्छे से रोल कर लिया है, इसको टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसी तरह से सारे गट्टे तैयार कर लेंगे। अब हम इसे बॉयल करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में गर्म पानी कर लिया है। गैस की आंच तेज करते हुए हमें गट्टों को अच्छी तरह से पकाना है। पानी में उबाल आने तक पकाते रहना है। पानी में उबाल आने से पहले गट्टे को कढ़ाई में नहीं डालना है। हमें 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबाल लेना है। गट्टे पकने के बाद कढ़ाई में ऊपर तैरने लगते हैं, तो हमें इनको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 10-12 मिनट हो गई है, गट्टे उबल चुके हैं, तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। गट्टों को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, इनका पानी फेंकना नहीं है। अब हम एक कटोरी में दही लेंगे और दही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर की डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं एक प्याज, तीन हरी मिर्ची, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और एक टमाटर ले रही हूँ। सभी को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। हमारी सब्जी बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक कटोरी में हमने गट्टे रख लिए हैं और एक में दही और मसालों का मिश्रण और एक में प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची का मिश्रण बनाकर रख लिया है। यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है। इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, थोड़े से धनिया के दाने ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने एक तेज पत्ता और चुटकी भर हींग ऐड की है। 3 से 4 टुकड़े लाल मिर्च के ऐड कर देंगे, इन सबसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने जो लहसुन, प्याज, टमाटर का जो मिश्रण बनाया था वो ऐड कर देंगे। आप चाहे तो प्याज को बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें दही वाला मिक्सर ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये मसाले अच्छी तरह से पक ना जाए। मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं तो अब हम ढक हटा लेते हैं। अब हम इसमें गट्टे ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। हमने 3 से 4 मिनट के लिए गट्टों को अच्छे से सेक लिया है।
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जो हमने पानी उबालने में यूज किया था वही ऐड कर रहे हैं। इसमें मैंने 1 कप पानी यूज किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब्ज़ी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। अब हम ढककर इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो हमें 5 मिनट के करीब हो गया है। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी बढ़िया सी तैयार हो गई है। इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी। मैंने इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते भी ऐड कर दिए थे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक खुले में ही पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।